कलर का देख रहे हो, मार्कर है ये। तो तुमको क्या करना है, इस लाल से नहीं मतलब है, सब्सक्राइब बटन है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, उठा के मारकर फेंक के मारेंगे, मुंह लाल हो जाएगा। सब्सक्राइब करो पहले, मित्रों और मित्राणियों फैला डालो, ठीक है का? अरे यार सब्सक्राइब और लाइक शेयर गलत मत सोचा कर यार, गंदे हो। हाँ तो आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया, अब धीरे धीरे इंटरमीडिएट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो कोई भी लैंग्वेज हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज हो गया, स्टेटमेंट बहुत सी होते हैं। जैसे सी में क्या, डिसीजन मेकिंग, आइटरेटिव स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग में क्या, इफ, इफ एल्स, स्विच, नेस्टेड इफ और इफ एल्स इफ, बहुत सी होते हैं। और आइटरेटिव में क्या आता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है, फॉर लूप होता है और नेस्टेड फॉर होता है, ठीक है। ब्रेक हो गया इसमें, कंटिन्यू हो गया, गो टू हो गया, जंप हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं। तो स्टेटमेंट जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज एक जानते हैं, आप भी जान के खुश हो जाएंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, बिना किसी देरी के सुना ही होगा। सबसे पहले एल्गोरिदम, हम उसको प्यार से बुलाते हैं एल्गो, बाद में देख लीजिएगा, एल्गोरिदम ही होता है। फ्लो चार्ट, इसको भी हम प्रेम से फ्लो बुलाते हैं, चार्ट है उसमें, और खाने वाला चार्ट नहीं यार, फ्लो चार्ट, ठीक है। तो डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन यार रटते का है यार, समझते हैं, एनालाइज करो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, एल्गोरिदम का डिफिनेशन, तो स्टेप बाय स्टेप डेविएशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, सिंपल भाषा में फ्लो चार्ट। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, मान लीजिए एल्गोरिदम एक एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने वोट दिया होगा, ठीक है, जब आप 18 से प्लस होते हैं, यानी कि 18 साल से आपकी एज ज्यादा होती है तो आप वोट दे सकते हैं, अगर कम होते तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। इसी को हम एल्गोरिदम के थ्रू करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले स्टेप लिखेंगे, स्टेप वन डॉट डॉट, फिर स्टेप टू, फिर स्टेप थ्री, ठीक है। तो एक सेकंड देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में हम लिखते हैं स्टार्ट, कोई भी एल्गोरिदम होगा लिखने में, देखिए पहला स्टेप स्टार्ट होता है और अंतिम वाला स्टेप एंड होता है, ठीक है। ये करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी हो गया, इस दुनिया में जो भी चीज आती है या फिर जाती है उसका एक ना एक दिन प्रारंभ और अंत तय होता है। उसी कारण इसमें भी क्या होता है, एक स्टेप स्टार्ट में चला जाता है, एक स्टेप एंड में चला जाता है, इसको बहुत लोग बिगेन भी लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप टू में हम करेंगे, हम इनपुट लेंगे यूजर से, आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कुछ भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करते हैं। चलिए अभी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे ही, क्या एज ज्यादा है 18 से तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट कर देंगे नॉट एलिजिबल। जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अब आखिरी स्टेप में आते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, उसमें हम लोग कर देते हैं एंड, प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। तो जैसा कि ये तो मैंने ऐसे बताया क्योंकि स्टेप, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को जब हम स्टेप बाय स्टेप के थ्रू करते हैं तो उसे एल्गोरिदम करते हैं। अगर जब आपका एल्गोरिदम आता है, यानी कि कोई प्रोग्राम दिया हुआ और जब आप उसको एल्गोरिदम बना के फिर प्रोग्राम रन कराएंगे ना, तो आपको आसानी होगी, क्योंकि एल्गोरिदम क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। आगे जब हम डाटा स्ट्रक्चर वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम का बहुत बड़ा एक वो है, मतलब समझिए एल्गोरिदम है ही अलग टोटल, ठीक है। तो आगे हम जानते हैं फ्लो चार्ट। जैसा कि मैंने बताया एल्गोरिदम का ऊपर का भाग होता है फ्लो चार्ट, यानी कि स्टेप बाय, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में जब बनाएंगे इसका और भी डेरिवेटिव बताते हैं, सबसे पहले हम इसको बताते हैं बना के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, ये जो डायमंड शेप होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन को। तो इफ एज, एज क्या हो 18 से ज्यादा, ठीक है, तो अरे यहाँ पे ऐसे एक लूप निकलेगा, ठीक है, फिर इधर से भी आएगा। तो अगर यह कंडीशन ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, ठीक है,
अगर यह कंडीशन ट्रू होता है ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हम प्रिंट कराते हैं कि एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट। अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या करेगा, या तो आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप एग्जिट भी करा सकते हैं, ठीक है, एंड जिसे कहते हैं। और ट्रू होता है तब भी ये क्या करेगा, यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे ये एंड कर जाता है। यानी कि हम इसको अभी आपको हम बना के बताते हैं इसका क्या यूज होता है। सो जैसे कि हम लोगों ने जाना, ठीक है, तो फ्लो चार्ट में एक और चीज आप लोग को बता देता हूँ कि फ्लो चार्ट में देखिए जब भी हमको स्टार्ट और स्टॉप वगैरह करना होगा तो हमको इस वाले यानी कि सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी स्टार्ट और स्टॉप करना होता है, फिर या फिर हमको इनपुट या फिर आउटपुट लेना होता है तो इस टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी हमको क्या करना हो तो प्रोसेस यानी कि प्रिंट कराना हो या फिर कुछ भी, जब कंप्यूटर या फिर कंपाइलर जब प्रोसेस लेता है तो उसको एक रेक्टेंगल शेप में लेते हैं, ठीक है। फिर उसके कंडीशन के लिए हम लोग को डायमंड शेप का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट में इसकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं उतने बताए गए हैं जो फ्लो चार्ट में यूज होते हैं, स्टार्ट स्टॉप के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, कंडीशन के लिए, और ये जो एरो होता है ये फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है यानी कि किस फ्लो में आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू ओनली टेस्ट वन कंडीशन। डेफिनेशन है, रटना है, रट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं, जब हम लोग को पास ओनली वन कंडीशन गिवन होता है उसको हमको चेक करना होता है, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट की बात करें, स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, कंडीशन कुछ भी दे दिए, चेक किया, ट्रू हुआ तो आया, प्रोसेस में लिया, प्रिंट कर दिया, एंड खत्म कर दिया। अगर जब फॉल्स यहीं पे कर गया तो आया नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखा कुछ करना नहीं करना है, एंड कर गया, ठीक है। ऐसा फ्लो चार्ट होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी स्टेटमेंट हो गया, कोई भी लूप हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर यूनिट स्ट्रक्चर एरे वगैरह कुछ भी हो गया, प्रोग्राम का मतलब होता है स्ट्रांग स्ट्रांग सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स, ठीक है, क्या बोला था, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंटैक्स एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज को करने को। जैसे मान लीजिए घर बन रहा है, ठीक है, तो घर बन रहा है तो मिस्त्री जब घर बनाता है तो एक इसका स्ट्रक्चर होता है कि भाई उसके चार कोने होते हैं, फिर छत लगती, ये होता है। ऐसे नहीं ना, एक दीवार यहाँ खड़ा किए, दो दीवार 2 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दिए, फिर 5 किलोमीटर दूर, भाई कितना लंबा लेट लगा। सिंपल सी बात ये होती है, सिंटेक्स क्या करता है ना, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कराता है उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो अगर आपको सिंटेक्स याद होता है तो आप प्रोग्राम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो चीजें, एक सिंटेक्स और एक एल्गो, ठीक है, अगर दोनों आपको आता है तो आपको प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका सेंटेंस क्या होता है, अपना इफ, इफ एक कीवर्ड होता है, जब हम कीवर्ड आपको पढ़ाए थे तो कीवर्ड के अंदर इफ का नाम आया था, देखिए आज यूज हुआ। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 32 कीवर्ड था ना, खत्म टाटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंडीशन देंगे, कंडीशन देने के बाद अगर जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके अंदर आएगा, ब्लॉक के अंदर, और जो भी आपने यहाँ पे कोड किया होगा वो रन करेगा। अन्यथा अगर कंडीशन हो गया फॉल्स तो यहाँ से एग्जिस्ट करके सीधे यहाँ पे प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एक कोड करके देखते हैं, तो कोड हम करेंगे क्या, पासवर्ड वाला, ठीक है, एक पासवर्ड जनरेट करके। देखिए कोई भी कोड हो गया ना, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपके दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ में रिलेट करता हो तो आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग आज कोड करेंगे, एक कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंक्लूड करते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो, तुरंत करो, क्या इंक्लूड कर रहे हैं, पहले अपना हेडर फाइल यार, इंक्लूड हेडर फाइल, ठीक है। सीधे आप आते हैं मेन फंक्शन पे, इसका रिटर्न टाइप हम लोग इंट रखते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस खोले। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मान लिया हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, क्योंकि पासवर्ड में तो वो क्या पिन वगैरह होता है तो उसमें 1 2 3 4 ही होता है ना, तो हम लोग इंटीजर टाइप कर लेंगे, इंट पासवर्ड। ये हमारा रहा वेरिएबल और ये रहा डाटा टाइप, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब प्रिंट एफ लिखते हैं, पहले प्रिंट एफ में एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, बंद करते हैं, सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। स्कैन एप का यूज करते हैं, स्कैनर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2-4 इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट हो गया, इन सब का आप याद कर लीजिए। जैसे कि इंटीजर का क्या होता है, परसेंट ही यूज करते हैं,
ये जैसे कंपाइलर से समझता है कि ये इंटीजर टाइप का है, इसको हमको कन्वर्ट करके इसका वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। तो परसेंट डी, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इतना कंपाइलर का काम हुआ। अब यहाँ पे अपना काम करते हैं, एन परसेंट ऑफ क्या पासवर्ड, इसमें स्टोर कराना है ना हमको, तो पासवर्ड पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर डी, ब्रैकेट बंद किए, सेमीकोलन लगाए। अब हम लिखते हैं कंडीशन, मोबाइल कैसे खुलेगा बबुआ, इफ कंडीशन, ठीक है। कंडीशन हम लोग क्या देते हैं, इफ पासवर्ड, पासवर्ड बराबर बराबर क्या, कुछ भी पासवर्ड मान लीजिए, जैसे मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है। तो अगर जब पासवर्ड यूजर इनपुट दे रहा था, पासवर्ड इसके इक्वल हो जाता तो आपका हो जाएगा, खुल जाएगा, मतलब ब्रैकेट खोले, यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ वेलकम, वेलकम टू सीएस वाला, ठीक है। अगर जा ये नहीं होगा तभी आपको ड्राई रन भी करा देते हैं, यहाँ पे एल्स, एल्स की कोई जरूरत है, जब इफ एल्स पढ़ेंगे तब देखते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे बंद करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न क्या जीरो, हमको कुछ नहीं रिटर्न कराना है, यहां से ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब हम लोग समझते हैं कंपाइल कैसे कर रहे हैं फटाफट, दिस इज अ हेडर फाइल, कंपाइलर आया डॉट सी के अंदर से चेक किया, क्या हेडर फाइल, यानी सी, यानी कि ये सी का प्रोग्राम है, अंदर आया मेन फंक्शन में घुसा, रिटर्न टाइप क्या देखा, इंट, इंटीजर टाइप का, चलो अंदर आते हैं, अंदर आया, यहाँ पे देखा डाटा टाइप क्या, इंटीजर, इंटीजर टाइप में क्या स्टोर करा रहा है, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल स्टोर करा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आए सीधे नीचे, यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, प्रिंटर एंटर योर पासवर्ड, यानी कि यूजर से इनपुट लेना है, स्कैनर में आया इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेन कार्यक्रम, आया यहाँ पे, ठीक है, मान लिया हम लोग यहाँ पे, ये समझ लीजिए आउटपुट है हम लोग का, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट में, हम लोग ये मान लीजिए पासवर्ड डालते हैं एक बार, अरे 1 4 5 8, ठीक है, ऐसा कुछ पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो ये आया 1 4 5 8, तो क्या 1 4 5 और 8 बराबर है किसके, 1 2 3 4 के बराबर है, सत्य है असत्य, ये फॉल्स कंडीशन आया, यहाँ पे चेक किया फॉल्स, बार रिटर्न कर दिया कुछ नहीं, फिर से एक बार रन कराते हैं, इस बार डालते हैं 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4, क्या ये बराबर है इसके, कंडीशन आया ट्रू, ट्रू हुआ तो इसके अंदर आएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखे रहेंगे, जैसा कि मैंने सिंटैक्स में बताया था, जो भी कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इफ स्टेटमेंट के बारे में, आगे हम लोग जानते हैं इफ एल्स, पढ़ते हैं इफ एल्स, जैसा कि बताया इफ आपने पढ़ लिया, इफ एल्स का क्या भाई डिफिनेशन क्यों पढ़े रहते यार, मेन मुद्दे पे आते हैं जो आपको समझाना है। तो इफ एल्स का हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे आइदर कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, यानी कि एक एग्जांपल देते हैं, आप 18 प्लस हो, चलो ठीक है, तो 18 प्लस, यानी कि अगर जब आपको वोट देने जाना है तो आपकी एज जो है 18 से प्लस होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, 18 से प्लस होनी चाहिए तभी आप वोट दे सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो दूसरे जो एल्स ब्लॉक में आता है, यानी कि आप वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इफ एल्स भी वैसा ही काम करता है, क्या समझे, काट दिया आसान बनाने के लिए यार, और क्यों काटा, देखो पहले फ्लो चार्ट जानते हैं, यहां मान लो स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट किया हम लोग प्रोग्राम, कुछ भी कंडीशन दिए, कंडीशन चेक किया, अगर जब कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोसेस करेगा, जो भी आप उसके अंदर कोड लिखे रहेंगे फिर उसके अंदर आएगा और एंड कर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसमें इफ में और इफ एल्स में अंदर क्या है, इफ में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जिट किया, नहीं तो फॉल्स होने पे भी डायरेक्ट एग्जिट कर जाता, लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तब भी एक कंडीशन चलेगा, यानी कि जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ वो चलेगा, और जब फॉल्स हुआ तब भी आपका एक लिखा हुआ कंडीशन चलेगा, ये अंतर होता है, मतलब इसमें दो कंडीशन आप देते हैं। तो ये आप सिंटेक्स थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया सिंटेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंटेक्स क्या होता है, इफ यहाँ पे कंडीशन अपना लिखेंगे, जो भी कंडीशन होगा, ठीक है, इसके अंदर आएंगे, कुछ भी आप कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, बंद कर दिए, एल्स का लिखेंगे, एल्स में आपको कुछ लिखना ही होता है, ठीक है, डायरेक्ट वो अपना रन करता है। अगर कंडीशन बोला जैसे कि रियलिटी में पूरे वर्चुअल पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो ट्रू वाला पार्ट तो यही खींच लेगा, फॉल्स आइदर 100% कंफर्म है, एल्स में जाएगा, फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है। तो एक कोड करते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो कोड हम लोग करेंगे क्या बताया था, जैसे कि मैंने वो एल्गोरिदम में बताया था कि एलिजिबल फॉर वोट वाला, तो वही सेम कोड हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है, तो फटाफट करते हैं, अगर आपको मजा आ रहा हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाल वाला मेरा मार्कर कान कान गायब हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा। वो पापा यहाँ पे था ये बेचारा। तो पहले हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं, ठीक है? इंक्लूड, समझ आ जा रही है हेडर फाइल है, ठीक है? मेन फंक्शन यहाँ पे। अब तो आप समझदार हो ही गए हो, ठीक है? तो एक पहले इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर। हाँ चलो, इंट एज नाम का, ठीक है? फिर प्रिंटएफ, प्रिंटएफ में हम अपना इंटर एज करा देते हैं, इंटर योर एज, ठीक है? अब स्कैनर का यूज करते हैं, स्कैनर में परसेंट, जैसा कि इंटीजर है तो परसेंट यूज करेंगे, ठीक है? एंड परसेंट आप कहाँ स्टोर कराना है? एज में, एज में स्टोर करा लिए, बंद कर दिए। अब कंडीशन देते हैं, इफ एज क्या हो ग्रेटर आर इक्वल टू, यहां पे दिखा आपको कुछ जैसा कि मैंने बताया था, यूज हुआ ये कौन सा ऑपरेटर है तुरंत कमेंट करो, कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑपरेटर पढ़ाते वक्त, कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके एक एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। देखिए इसमें यूज हुआ कि नहीं, देखिए मैंने जैसे बताया था लूप वगैरह में, कंडीशन वगैरह का, उसमें ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? तो आप हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है? बंद करते हैं इसको यहां से, ठीक है? हाँ, तो एज क्या हो 18 से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। आएगा यहाँ पर पी फॉर प्रिंट, समझ लीजिए एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है? पी का मतलब प्रिंट एफ समझिए, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, और एल्स का मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें आएगा, यहाँ पे क्या लिखेगा? पी का मतलब फिर से प्रिंट एफ समझिए, नॉट एलिजिबल, ठीक है? सेमीकॉलन लगाना मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या करना है? कुछ नहीं, जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न ना कराने तो आपको रिटर्न जीरो कर देते हैं, ठीक है? अब हम लोग एक बार इसको आउटपुट करके ड्राई रन करके समझते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने आउटपुट का अपना सीन रख लिया, ये हमारा ओपी है, ओपी बोले तो आउटपुट आया, मेन फंक्शन में आया, अंदर आया, वेरिएबल देख लिया, डिक्लेयर कर लिया, यूजर से आप इनपुट ले लिया। अब यहाँ से मेन कंडीशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग करना क्या है, मान लिया हमने एज डाला इस बार 17 साल, तो क्या 17 बड़ा है और बराबर है 18 के? सत्य है असत्य? दिस इज अ फॉल्स कंडीशन है। जैसे ही फॉल्स कंडीशन हुआ, ये क्या एग्जिट कर जाएगा? सीधे एल्स ब्लॉक में, ये एल्स ब्लॉक है ये वाला, तो एल्स ब्लॉक में आएगा। जैसे ही एल्स ब्लॉक में आएगा, तो एल्स ब्लॉक में आने के बाद जो भी आप यहाँ पे कंडीशन लिखे होंगे अपना, जो भी अपना स्टेटमेंट लिखे होंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? नॉट एलिजिबल। एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं इस बार? अपना एज क्या डालते हैं? 19 साल, हम लोग एज डाले इस बार 19 साल, तो 19 साल क्या बड़ा है 18 से? बिल्कुल सही बात, 19 बड़ा होता है 18 से। जैसा कि इसने किया, कंपाइलर आया, चेक किया, कंडीशन ट्रू हुआ। जब कंडीशन ट्रू हुआ तो ये यहां से इस ब्लॉक में घुस गया, यानी कि इफ के ब्लॉक में। अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स के ब्लॉक में ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है? जैसा कि ये रहा किसकी चीज के बारे में? इफ एल्स के बारे में। अगर आपको समझ आ रहा हो तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं शॉर्टकट इसलिए आपको जल्दी लिख करके बताता हूँ शॉर्टकट में एकदम, कि आपकी भी समय की हानि ना हो, हमारे भी समय की हानि ना हो, ठीक है? तो अगला हम लोग जानते हैं क्या, अगला हम लोग क्या जानते हैं? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, टपाटप खत्म, टाटा बाय बाय।